जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी लोगों का, भाइयों बहनों और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिकॉज आज आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत ये एक छोटा सा बंदा एक महीने के अंदर अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाया है। इसकी देन और इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो सब आप लोगों को गाइस। बिकॉज आप लोगों की प्यार के बदौलत ही मैं आज एक महीने में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाया हूँ। फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन अभी जो आप लोगों का हमें प्यार मिला, इससे सही मायने में मेरा दिल आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। आगे भी आई होप कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें लेके आऊँगा जो देश के लिए काम की हो, जो राष्ट्र के लिए काम की हो, जो समाज के लिए काम की हो, और जो स्टूडेंट और जो भी हमारे आम आदमी हैं उनके लिए काम की चीज़ हो। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बिकॉज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों का ये स्नेह बहुत बहुत हमारे लिए और हमारे कार्यों के लिए उचित होगा। तो चलिए अब आज के विषय के बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो मुख्य रूप से चाइना के अलावा, चाइना को तो हम लोगों ने बहुत हद तक बायकॉट कर दिया है, लेकिन चाइना के अलावा जो हमारे देश के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, आज मैं ये बताना चाहूँगा अपने वीडियोज़ में कि हमको किन किन को बायकॉट करना चाहिए ताकि हमारे लिए भी उचित होगा और हमारे समाज के लिए भी उत्तम होगा। सबसे पहले हमको उन लोगों को बैन करना चाहिए जो आज भी चाइना से बड़ी बड़ी डील करते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस डील, बड़ी बड़ी बिजनेस के बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे उनके नियमों को फॉलो करते हैं और अपने इंडिया में उनके साथ बिजनेस में टाइप करके अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। जहाँ तक हम जो भी नॉर्मल लोग हैं, जितने भी, वो अपने हद तक, बहुत ही हद तक अपने पूरी कोशिशों के द्वारा चाइना को बायकॉट कर चुके हैं। लेकिन जब तक हम जड़ को नहीं काटेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग जो बाहर से अपना प्रोडक्ट या जो भी चाइना के साथ डील कर रहे हैं, अगर ये वही सामान अगर चाहेंगे आज से कि यहाँ पे अगर उसको बनाने के लिए सोचा जाए तो यहाँ के यूथ जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ के जितने स्टूडेंट बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने सिंसियर, इतने मतलब टैलेंटेड होने के बाद स्टूडेंट और यूथ को जॉब नहीं मिल रहा है, उनको उनके लायक काम नहीं मिल रहा है, अगर उन लोगों को इन चीज़ों में शामिल किया जाए तो इतने माइंडेड लोग हैं हमारे देश में कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा और उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि अगर यूथ स्ट्रांग रहता है तो देश स्ट्रांग रहता है, स्टूडेंट स्ट्रांग रहता है तो देश स्ट्रांग रहता है। तो उनको ये सोचना चाहिए, वो जो बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं अगर प्रयास करेंगे इंडिया में बने तो कितना बेस्ट होगा, क्योंकि तभी हमारा जो है यूथ जितने भी हैं उन सबको काम मिलेगा और सभी को रोजगार मिलेगा। आगे आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को कहीं इन्वेस्ट ही करना है, कहीं अपना पैसा लगाना ही है, तो वो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उन लोगों पे लगाना चाहिए। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो तो एक छोटा बिजनेस करेंगे ही, साथ में एक दो लोग को और रखेंगे जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो एक दो लोग और इम्प्लॉयड होंगे तो बेरोजगारी की दर क्या है, कमेगी। जो अभी बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा है वो तो कम होगी ना बेरोजगारी की दर। और दूसरी चीज़ कि जो भी लघु उद्योग है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस, जो भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी घर बैठे काम कर सकते हैं, जैसे समझिए कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घर बैठ के काम कर सकती है, उन लोगों को प्रमोट किया जाए, उन लोगों को इसमें आर्थिक सहायता दी जाए। जैसे पापड़ उद्योग होता है, अगरबत्ती उद्योग होता है, लाइक उसी तरह के बहुत सारे काम जो कि वो घर बैठ के कर सकते हैं, तो उनको भी 2 रुपये की आमदनी होगी, उनका भी फैमिली अच्छे से चलेगा और बेरोजगारी रहेगी किधर। तो ये चीज़ों को माइंडसेट करके चलना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जो स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं, अगर वहाँ पे जो भी सजावटी सामान लगता है, उन फूलों उन हारों को या जो भी बहुत सारी सजावटी सामान है, अगर वो चीज़ हमारे ही देश के लोग, अपने ही देश के जो भी नेचुरल चीज़ है, अगर वो फूलों को अगर लगाया जाए, उन चीज़ों को लगाया जाए, बहुत सारी ऐसी लाइट्स है, बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। जो अभी देश में सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, तो बायकॉट हमको उन लोगों को करना चाहिए जो कि ऐसे ऐसे चीज को बाहर से प्रमोट करते हैं। दूसरी ओर हम लोगों को जिसको बायकॉट करना चाहिए उसमें आता है वैसे मीडिया और वैसे न्यूज चैनल, वैसे न्यूज़पेपर जो कि देश में ये अफवाह फैलाते हैं कि 1962 में जैसे इंडिया चाइना से हार गया था वैसा चाइना से आज भी इंडिया जीतने के लिए योग्य नहीं है। उन लोगों को बायकॉट करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो लोग देश में एक अलग ही अफवाह फैलाते हैं। देखिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति
शरीर से ताकतवर तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर वो मन से होता है। आदमी मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति नहीं जीत सकता है। तो ऐसे ऐसे न्यूज चैनल और ऐसे ऐसे मीडिया जो कि ये अफवाह फैलाए कि चाइना से इंडिया नहीं जीत सकता है, चाइना से इतने हम लोग मिसाइल में कम है, ये में कम है, कुछ नहीं कम है, कुछ नहीं कम है, इंडिया के पास बहुत शक्ति है। इंडिया की जो आर्मी है वो वर्ल्ड की टॉप 10 आर्मी में आती है। हम लोग को डरने की क्या जरूरत है, बहुत चीज है हमारे पास। अरे हम लोग उसको इकोनॉमी लेवल पे इतना डैमेज कर दिए हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हर कंट्री के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है, इंडिया से कोई ऐसा नॉर्मली भीड़ नहीं सकता है। लेकिन जो न्यूज चैनल, कुछ न्यूज चैनल वाले हैं, कुछ मीडिया लोग हैं जो झूठ का अफवाह फैलाते हैं कि मतलब इंडिया तो नहीं ऐसा लड़ सकता है वैसा नहीं, तो इन लोगों को बायकॉट करना चाहिए। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो लोगों तक अच्छा संदेश तो पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा काम कर देती है। तो मीडिया को अच्छे तरीके से अगर हमको काम करवाना है, या मीडिया को अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे से काम करवाना है, तो वैसी मीडिया का हम सभी को बायकॉट करना चाहिए। आगे आप लोगों से बताना चाहूंगा मैं कि सिर्फ नॉर्मल आदमी ही रूल फॉलो क्यों करे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को भी रूल फॉलो करना चाहिए। हम लोग नॉर्मल व्यक्ति जो भी हैं वो चाइना की बहुत सारे प्रोडक्ट को बहुत ही हद तक बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटी बैठे हैं जो कि ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों, ऐसे मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बहुत सारे लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि चाइना के प्रोडक्ट हैं। तो सिर्फ गरीब आदमी पे ही रूल लागू नहीं होना चाहिए, और गरीब आदमी को ही सिर्फ मतलब नहीं ऐसा एडजस्टमेंट करना चाहिए, इन लोगों के भी मूवी, इन लोगों को भी बायकॉट करना चाहिए हम लोगों को, ताकि इन लोगों को भी समझ में आए कि देश क्या होती है और देश की भावना क्या होती है। सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए रूल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ नॉर्मल लोग ही, नॉर्मल लोगों को तो जहां तक फायदा होता कि चाइना से प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाते हैं वो तो सही था, लेकिन नॉर्मल लोग जब एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं इंडिया में ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, इंडिया में ही होना चाहिए, लोग अपने अभी कितने दिक्कतों के साथ इंडियन प्रोडक्ट के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और चाइनीज को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में कुछ बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि चाइना के प्रोडक्ट को अभी भी ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हैं, उनको गाइड करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है उसको देश में बहुत बड़े लेवल पे सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं और उसका जो है प्रचार प्रसार करते हैं। इन चीजों को हम लोगों को बायकॉट करना होगा, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को बायकॉट करना होगा जो कि चाइना के प्रोडक्ट के प्रचारक हो। तो आगे एक घटना बताना चाहूंगा, 1892 ईस्वी में जब लोकमान्य तिलक जी को ये मालूम चला कि भारत में बेरोजगारी या भारत में जो समस्या है आर्थिक, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है विदेशी व्यापार, तो उन्होंने 1892 से मुहिम चलाया और 1905 ईस्वी तक लोग उनसे इतने प्रभावित हुए, बिकॉज इसलिए कि इंग्लैंड वो टाइम में बोलता था कि तुम तो हमारे बिना एक ब्रेड भी नहीं बना सकते हो। वो समय में हमारे देश के शर्मा समाज के लोगों ने आंदोलन छेड़ा और उन्होंने उसकी ब्लेड का बायकॉट किया। उसी समय हमारे देश में उस्तुरा का जो है एक नया निर्माण हुआ, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर हम लोग ये चीज माइंडसेट कर लें कि हमको अपने दम पे कुछ करना है तो बस करना है, अरे मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और लास्ट में एक बार फिर आप लोगों को दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने इतना मुझे प्रमोट किया, और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण मेरे 1000 सब्सक्राइबर विद इन अ मंथ हो गए हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने फैमिली के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ, सभी लोग आनंद में जीवन व्यतीत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।